तो ये रहा शोरूम, हम आ चुके थे शोरूम के पास। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वी आर कमिंग बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो हम आ चुके थे और एक नई वीडियो के साथ। कि हम जा रहे हैं टाटा शोरूम में, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे हमारा क्या काम है और थोड़ा कुछ पेमेंट और रिसीव करना था वहाँ पे, तो चलते हैं वहीं पे और उसके बाद वहाँ से दिखाते हैं आज हमारा दिन कैसा बीत रहा है। तो सबसे पहले चलते हैं टाटा शोरूम के पास, उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा शोरूम, हम आ चुके थे शोरूम के पास। तो यहाँ पे एक भैया हमारे आने वाले थे और उनसे कुछ काम था, तो चलते हैं वो काम को निपटाने के लिए। फिलहाल गाड़ी को यहीं खड़ा कर देते हैं। हम आ चुके थे यहाँ सर्विस सेंटर में, देख सकते हैं कितनी सारी गाड़ियाँ हैं यहाँ पे। सारी गाड़ियों में अभी काम चल रहा है फिलहाल। तो यहाँ का काम हमारा कंप्लीट हो चुका था और फिर यहाँ से निकलते हैं। निकल चुके हैं हम यहाँ से और फिलहाल अभी काफी गर्मी हो रही है और काफी ज्यादा धूप तेज निकल रही है। अभी दोपहर के 12:30 बज चुके थे और आपको दिखाते हैं अभी मौसम कैसा है। वैसे कभी कभी ऐसा हो रहा ना, कभी कभी इतना ज्यादा तेज धूप कर दे रहा और कभी कभी छांव दे रहा। इन सब मौसमों में काफी कम निकले तो अच्छा होता है, विदाउट काम का ना निकले। और ये कुछ ऐसा मौसम देख सकते हैं, आपने पिछले वीडियो में देखा ही होगा। अगर जिन लोगों को जैसे गाड़ी उड़ी लोड उड कराना होगा तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम आपकी गाड़ी को अच्छा लोडिंग करा सकते हैं और अच्छा भाड़ा भी दिला सकते हैं। अगर आपको सुटेबल लगे तो आप चलाइए, अगर नहीं सुटेबल लगे तो नहीं चलाइए। तो वीडियो रिलेटेड क्वेश्चन हो तो हमसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी हमारा दिया गया होगा और वहां से आप जाके देख सकते हैं। काफी लोग हमसे पूछ रहे थे बड़ी गाड़ियों का इंश्योरेंस कितना होता है और क्या खर्चा आता है, तो वो मैं आपको कुछ ही देर में बताने वाला हूँ। जैसे ये काम फ्री हो जाए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि बड़ी गाड़ियों का इंश्योरेंस का कॉस्ट कितना आता है और पेपर वर्क में कितना आता है। कुछ ही देर में हमारे अभिषेक भाई आने वाले हैं यहीं पे, तो उनका अभी वेट करते हैं और वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। उसके बाद चलते हैं, देखते हैं कहाँ का प्लान बन रहा है हमारा। हमारे एक भाई थे जो इंस्टाग्राम में हमसे पूछ रहे थे कि जो 12 चक्का या 16 चक्का डाला बॉडी या डम्फर ट्रक का क्या प्राइस होता है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि डिपेंड करता है वो मॉडल कब की है, या 15 मॉडल है, 16 मॉडल है, BS4 है, या BS6 है, या BS3 मॉडल है, उस पर डिपेंड करता है। और उस काफी सारी चीजें जैसे उस गाड़ी का कंडीशन कैसा है और उसके टायर कैसे हैं, इन सारी चीजों को आप गौर करेंगे उसके बाद देखेंगे। तो लगभग एक 12 चक्का आपको 13, 14 या 15 के बीच में आपको मिल जाएगी बढ़िया कंडीशन में, और डाला बॉडी का यही रेट है। और जो डम्फर बॉडी होता है ना उसका अलग रेट पड़ता है। और अगर आप सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने के लिए जाते हैं तो पेपर वर्क में काफी ध्यान दीजिएगा, ये वो सेकेंड हैंड है या थर्ड हैंड है, आपको मतलब वो फर्स्ट ऑनर है या सेकेंड ऑनर है या थर्ड ऑनर है, ये सब चीजें आपको ध्यान देनी चाहिए। सेकेंड हैंड गाड़ियों में ये सब देख के लेनी चाहिए और देख लेना चाहिए कि सारा पेपर सही तो है ना, नहीं तो आप अगर जाके ऐसे ही परचेस कर लेते हैं अगर सस्ते के चक्कर में, तो आपको काफी ज्यादा कॉस्टिंग आपको पड़ जाएगा पेपर वर्क में। और ज्यादातर लोग टायर में ठगा जाते हैं और पेपर वर्क में भी ठगा जाते हैं, क्योंकि उनका एक्सपायरी डेट करीब हो जाता है, इसके वजह से उनको काफी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता है और काफी पेपर वर्क में खर्चा भी होता है। मैं आपको बता दूंगा धीरे धीरे करके कि पेपर वर्क में क्या खर्चा होता है। तो हमारे अभिषेक भाई हमारे पास आ चुके थे फिलहाल, तो अभी फिलहाल देखते हैं चलते हैं कहीं पे। चलते हैं, कहाँ चले गए? तो ये आप देख सकते हैं इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, यहाँ पे देख सकते हैं, और कुछ डिटेल्स है जो आपके संग शेयर नहीं कर सकते, इसीलिए पूरा चीज नहीं दिखा पा रहे आप लोगों को। तो आपने देखा ही हमारा 1,50,000 का इंश्योरेंस हुआ था। पर्सनल डिटेल आपके संग शेयर नहीं कर सकता हूँ फॉर सिक्योरिटी रीजन। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो इस वीडियो रिलेटेड, तो आप हमसे इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया होगा वहां से पूछ सकते हैं। और इस इंश्योरेंस में रोड साइड असिस्टेंस, हेड टू हेड काफी चीजें मिल जाती है, जो अगर आप जितनी भी टाटा सिग्मा जो नए ले रहे हैं ना, उन लोगों को ये पता होगा। अगर आप टाटा सिग्मा नए ले रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि ये फर्स्ट इंश्योरेंस जो कराया जाता है 1,50,000 का क्यों कराया जाता है और इसका बेनिफिट क्या है, अगर आप लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो शाम हो चुका था और थोड़ी देर में हम निकलते हैं पंजाबी मोड़ के लिए और आपको बताते हैं पंजाबी मोड़ में हमारा क्या काम है वहीं पे चल के। तो चलते हैं डायरेक्ट पंजाबी मोड़ आपको लेके। तो फिलहाल हम आ चुके थे अभी पंजाबी मोड़ में, यहाँ हमारी 3 गाड़ियां थी जो लोड हो चुकी थी और उन्हें छोड़ना था। अभी पेपर वर्क उनका हो रहा है, कुछ ही देर में अमन पेपर वर्क लेके आएंगे, उसके बाद उसको छोड़ने चलते हैं हम लोग। फिर अमन कुछ ही देर में आते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं क्या करना है हमें। तो फिलहाल काफी वक्त लग रहा था पेपर वर्क में, तो अमन वो सारा चीज देख लेंगे और सारी गाड़ियों में डीजल फुल करा देंगे। तो हम यहाँ से निकलते हैं क्योंकि आज हमारा मूड नहीं था पूरा करने का, तो हमने अमन को दे दिया था सारा काम।
तो वो तीनों गाड़ी में डीजल उजल भरा के उसका पेपर वर्क देख लेगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। जिन लोगों ने इस वीडियो को यहां तक देखा है बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दे।